टू द पॉइंट प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज का विषय है, क्या है डिजिटल लॉकर। सबसे पहले जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। अब देश भर में हजारों छात्र डिजी लॉकर के माध्यम से बोर्ड परीक्षा परिणाम और सत्यापित मार्कशीट प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं डिजी लॉकर क्या है। यह डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक प्रमुख पहल है। इसे वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। यह प्लेटफॉर्म उपयोगकर्ताओं के डिजिटल रिकॉर्ड को स्टोर करने के लिए एक ऐप के रूप में कार्य करता है। यह भारत सरकार द्वारा दस्तावेजों का एक इलेक्ट्रॉनिक संस्करण बनाने का प्रयास है, जिसे आसानी से सत्यापित और मुद्रण योग्य प्रारूप में संग्रहित किया जा सकता है। उपयोगकर्ता अपने दस्तावेज जैसे बीमा, मेडिकल रिपोर्ट, पैन कार्ड, पासपोर्ट, विवाह प्रमाण पत्र, स्कूल प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज डिजिटल प्रारूप में संग्रहित कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल नंबर का उपयोग करके इस लॉकर का प्रयोग कर सकता है। गूगल और ड्रॉपबॉक्स जैसी प्रौद्योगिकी कंपनियां उपयोगकर्ताओं को दस्तावेज संग्रहित करने के लिए स्टोरेज स्पेस प्रदान करती हैं। ई दस्तावेजों के अलावा डिजी लॉकर विभिन्न विभागों द्वारा जारी किए गए ई दस्तावेजों का एक यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफायर यानी URI लिंक संग्रहित कर सकता है। डिजी लॉकर के उद्देश्य। नागरिकों के लिए डिजिटल सशक्तिकरण। देश भर में नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने का लक्ष्य। भौतिक दस्तावेज का उपयोग कम करना। भौतिक दस्तावेजों पर निर्भरता कम करते हुए इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उपलब्धता प्रदान करके ई हस्ताक्षर को सक्षम करना। दस्तावेज की प्रामाणिकता बढ़ाना। डिजिटल लॉकर ऑनलाइन अपलोड के माध्यम से दस्तावेजों को प्रमाणित करेगा, जिससे नकली दस्तावेजों के मुद्दे को हल करने में मदद मिलेगी। वेब पोर्टल और मोबाइल एप्स के माध्यम से आसान पहुंच। उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब पोर्टल और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से सेवाओं तक सुविधाजनक पहुंच सुनिश्चित करना। प्रशासनिक बोझ कम करना। प्रशासनिक ओवरहेड्स को कम करके सरकारी संचालन को सुव्यवस्थित करना। कभी भी कहीं भी पहुंच। व्यक्ति आसानी से क्लाउड प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन संग्रहित दस्तावेजों को प्राप्त कर सकते हैं, जिससे अभिगम्यता को बढ़ावा मिलेगा। दस्तावेज साझाकरण को सरल बनाना। व्यक्तियों और संगठनों के बीच दस्तावेजों को आसानी से साझा करने की सुविधा प्रदान करना। गोपनीयता और अधिकृत पहुंच सुनिश्चित करना। अधिकृत पहुंच की अनुमति देते समय निवासियों के डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित करने हेतु मजबूत सुरक्षा उपाय लागू करना। डिजी लॉकर के लाभ। सुविधाजनक और पर्यावरण के अनुकूल। डिजी लॉकर कागज रहित सुविधा प्रदान करता है, जिससे मुद्रण और दस्तावेजों को ले जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। इससे धन, समय, कागज की बचत होती है और पर्यावरण को मदद मिलती है। सुरक्षित भंडारण। डिजीलॉकर 2048 बिट SSL इंक्रिप्शन, मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण और ISO 27001 प्रमाणित होस्टिंग का उपयोग करता है। उपयोगकर्ताओं के पास सूचना साझा करने, सुरक्षित भंडारण और चयनात्मक साझाकरण सुनिश्चित करने पर नियंत्रण होता है। सरकारी अधिकारियों द्वारा व्यापक स्वीकृति। डिजीलॉकर पर संग्रहित दस्तावेज वैध माने जाते हैं, जिससे भौतिक प्रतियों की आवश्यकता कम हो जाती है। इन्हें अधिकांश सरकारी एजेंसियों द्वारा व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है, जिससे पासपोर्ट आवेदन जैसी प्रक्रियाएं सरल हो जाती हैं। कई प्रारूपों और डिजिटल हस्ताक्षरों का समर्थन करता है। डिजीलॉकर डिजिटल हस्ताक्षर की अनुमति देता है और विभिन्न दस्तावेज प्रारूपों यानी JPEG, PNG, PDF को स्वीकार करता है, जिससे समय एवं मेहनत की बचत होती है। तो चलिए अंत में देखते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। 1. आरोग्य सेतु, 2. कोविन, 3. डिजीलॉकर, 4. दीक्षा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाया गया है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1, 3 और 4 या डी 1, 2, 3 और 4? इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।